शेयर मार्केट में वैश्विक दबाव के बीच चाइना से एक बुरी खबर आई है। दरअसल चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए 325 बिलियन डॉलर के करीब यानी लगभग 27 लाख करोड़ रुपए के विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि चीन के इस कदम से भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं इससे पहले भी चाइना ने एक बड़ा प्रोत्साहन पैकेज जारी किया था, जिसके बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकालकर चीन की ओर रुक किया था, जिसके कारण भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई थी और पिछले हफ्ते बाजार में केवल एक दिन ही तेजी देखने को मिली थी, जिसके कारण निवेशकों को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। चाइना के इस पैकेज में बैंकों को मजबूत करने, प्रॉपर्टी सेक्टर को सुधारने, वित्तीय संकट से उभरने के लिए आवश्यक उपाय शामिल है। इसके अलावा चीन के वित्त मंत्री लैन फुआन ने घोषणा की चीन अपनी अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने के लिए अगले 3 महीनों में एडिशनल फिस्कल बॉन्ड्स का उपयोग तेजी से करेगा। के साथ चीन अल्ट्रा लॉन्ग टर्म स्पेशल ट्रेजरी फंड भी जारी करेगा। आपको बता दें कि अकेले अक्टूबर में FPI भारतीय शेयरों से 58,711 करोड़ रुपीस के करीब निकाल चुके हैं। ये 9 महीने का उच्चतम यानी 9 महीने का मैक्सिमम लेवल था। FPI ने इस साल अप्रैल मई में 34,252 करोड़ रुपीस भारतीय शेयरों से निकाले थे। जून से इक्विटी बाजार में लगातार पैसा लगाया। कुल मिलाकर जनवरी, अप्रैल और मई को छोड़कर बाकी महीनों में इस साल शुद्ध खरीदार रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।